नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखर रस्तोगी और आप देख रहे हैं लाइव टुडे। आइए रुख करते हैं खबरों का। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को कांग्रेस की तरफ से अब तक 56 गालियां दी गई हैं, लेकिन ये हमारे लिए 56 भोग की तरह है। हम अपने प्रदर्शन के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नितिन गडकरी ने जहां कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को जहां 56 गालियां कांग्रेस की तरफ से दी गई हैं, वहीं विकास के ध्यान हटाने के लिए जहां एक भटकाव को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस, वहीं चुनाव के स्तर को कांग्रेस काफी नीचे ले गई है। कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है नितिन गडकरी ने। इस प्रकार का एक प्रकार से विपक्ष जो निराश है, फ्रस्ट्रेट है, और उनको पता है कि पहले से वो हार की तैयारी भी कर रहे हैं कि इसमें घोटाला है, ये मशीन खराब है, वो खराब है, ताकि चुनाव हारने के बाद कौन सी प्रतिक्रिया दे उस सुविधा के लिए, इसका भी वो तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रति लगातार आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और 1971 के मैं आपको याद करूँगा कि जब बांग्लादेश के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, तो उस समय अटल जी के नेतृत्व में सभी विपक्षी के लोगों ने, विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा जी का समर्थन किया, और उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए, अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा के ये संवेदनशील समय में हम आपके साथ हैं। और इस समय सुरक्षा के विषयों का भी राजनीतिकरण किया गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने के बाद भी लगातार झूठे आरोप लगातार किए जा रहे हैं। मैं राजनीति में मतभिन्नता समझ सकता हूं, पर मनभेद और इस प्रकार का प्रचार नहीं समझ सकता। और इसलिए लगातार इस प्रकार की कितनी भी गालियां अगर देंगे तो भी भारत की जनता जो है वो बहुत ही जागरूक है, और 1977 के चुनाव में इस देश को वर्ल्ड के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने वाला यह देश है, और इसलिए निश्चित रूप से देश की जनता सोच समझकर उचित निर्णय करने की क्षमता रखती है।